मनवा के व्यक्ति की फतेह। कोई भी ऐसा मनुख नहीं है कि जेड़ा चाहे कि मेरे जीवन के अंदर कोई दुख आवे, कोई मुसीबत आवे। हर बंदा जेड़ा है वो चाहता है कि मेरा जेड़ा जीवन है खुशियां नाल भरपूर होवे, आनंद वाला होवे। मेरे को हरेक सुख होना चाहिए। तो माफ करना, कुछ तो जिन्हां तो सतगुरु जी के बचना के उत्ते भरोसा है, वो तो सतगुरु जी के कोलों आनंद ते सुख लैण वास्ते आउंदे ने। पर जिहड़े वहमी जे लोग हुंदे ने उन्हां नूं हमेशा चिंता रहिंदी, क्योंकि हर बंदा जिहड़ा अपने भविख बारे सोचदा है कि मेरी सेहत किहो जी रहेगी, मैनूं रुजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा जीवन साथी किहो जिहा होवेगा, मेरा व्यापार जिहड़ा है वह वधेगा जां घटेगा, मेरी औलाद किहो जी होएगी, कि मेरे जीवन के अंदर कदे कोई बीमारी तो नहीं आए। जदों ये गल्लां मनुख दे सोच विच आउंदियां ने तो फिर बंदा ज्योतिषियां वल नूं भजदा है। तां माफ करना, कुछ तां गुरु दे दर ते चल के आउंदे ने, कुछ सवेरे सवेरे टीवी ला के बैठे होंदे ने कि अज दा जिहड़ा राशि फल है वह कितरे खुंझ ना जाए, अज मेरे जीवन च की वापरना, अज सारे दिन दे विच वो उस पासे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन्नी एकाग्रता दे नाल असी गुरदेव जी के बचना वाल ध्यान नहीं देते, जिन्ना ध्यान साडा ज्योतिषियों वाल हुंदा है। अखबार हुंदी है सवेरे सवेर, ते जिहड़े वहमी जे लोग ने वो बाकी खबरां बेशक ना पढ़न, पर सब तो पहला वो राशि फल पढ़ते हैं। उन्हां चलाक लोगों ने भी इस तरह का तरीका लभ लिया है कि इहो जिहियां गोल गोल गल्लां लिखते हैं कि भाई अज जिहड़े तुहाडे अपने ने, तुहाडे जिहड़े दोस्त मित्र ने, वो तुहाडे नाल धोखा कर सकते हैं, उन्हां तों सचेत रहो। वैसे अज व्यापार दे विच वाधा होए, गोल जिहियां गल्लां करके अज इस रंग का कपड़ा पहनो, आ चीज़ दान करो, तो बंदा इन्हां भरमां का शिकार हो जाता है तो सच नालों टुट जाता है। मान लो कि ये अंधविश्वासी लोग जिहड़े भरमी लोग होंदे ने, उन्हां दे डाक्टर ज्योतिषी होंदे ने। आम तौर पर सानू कोई दुख तकलीफ होवे डाक्टर कोल जांदे आ, पर जिहड़ा वहमी बंदा होवे वो डाक्टर कोल भी चलिया जाता है, तो ज्योतिषी कोल भी चलिया जाता, किसी बाबे कोल भी चलिया जाता, शायद उत्थों सुख मिल जाणा। जिवें एक पुलिस वाले नूं ट्रेनिंग हुंदी है, उहदा तजर्बा हुंदा है कि वह चेहरे मूहरे के हाव भाव बोलचाल उन्हां लक्षणां नूं देख के अंदाजा ला लैंदे ने, चोरी की है कि नहीं की, कतल किया कि नहीं किया। इस तरह डॉक्टर को जाइए तो सानू बहुता कुछ कई बार दसण की जरूरत नहीं पैंदी, वो साडी चमड़ी का रंग देख के, साडा सुभाअ देख के, साडी थोड़ी बहुती गलबात करन दे नाल सानू छू के वो भी अनुभव कर लैंदा कि इहनू बीमारी किस तरह की, वो साडे लक्षण जान लैंदा। इस तरह जिहड़े चलाक लोग जिन्हों असी ज्योतिषी कहिंदे आ, वो भी साडियां गल्लां बातां, साडी चमड़ी, तो जदों असी अपना दुख माड़ा जिहा दसदे आ कि असी बड़े दुखी हाँ, तो फिर वो साडे इन्हां लक्षणां नूं भाप जांदे ने कि ये बन्ना बंदा किन्नी कु लुट करवा सकदा है। उस हिसाब दे नाल उसनूं उपा दस्सिया जांदा है। बाणी साडी अगवाई करदी है, सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता। सुख सानू इत्थों ही मिलने, सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म ए रतन अमोलक, साध संगत जप एक किना। इसलिए इन्हां ज्योतिषियां दा इन्हां दे चुगल दे विच नहीं पैना चाहीदा। सानू जिहड़े सुख ने वो केवल सतगुरु जी दे बचना दे विचों ही मिल सकते ने। सो लोड़ इन्हां तों बचण दी। धन्नवाद है भाई सरजीत सिंह जी दा, जिन्होंने सतगुरु जी के पावन बचना की विचार संगतां दे नाल साझी कीती है। हुण कुछ समा, भावें कि समा बहुत थोड़ा जिहा विचार चर्चा वास्ते रखिया गया, कुछ सवाल साढ़े तक पहुँच चुके ने। एक सवाल राधे दीवान का सी, मैं वो भी इतने साझा कर दिंदा हाँ। तो भाई सुखविंदर सिंह जी देर और ज्ञानी गुरबचन सिंह जी बनवा प्रिंसीपल गुरुमत ज्ञान मिशनी कॉलेज लुधियाणा, वो आप जी वालों आए हुए सवालों के उत्ते इतने गुरबाणी आधार तौर सिख रहत मर्यादा के दायरे में रेंदिया हुआ इतने विचार पेश करे। बेनती है कि आप जी के मन में कोई भी गुरबाणी इतिहास या मर्यादा के नाल संबंधित कोई सवाल, कोई शंका या दुविधा हो तो लिखती तौर पर साढ़े इतने पास पहुँचा दौ, ताकि असं उसके विचार कर सकी। हाँ,
एक दो जिन्हें भी सवाल असी विचार सके ठीक है, बाकी रेंदे हुए सवाल आने वाले दीवाना के विचारे जाएंगे जां जो गुरमत विरसा मैगजीन महीनावार प्रकाशित होंदा है असी उहदे विच भी इन्हां सवालों नूं छापदे हां जी। पहला सवाल भाई सुखविंदर सिंह होना वास्ते है, रात के दीवान विच भी आया सी कि कबीर साहब जी का एक श्लोक है, कबीर भांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, ये अंदर जिहड़ा माछली शब्द आया है ये की है जी, इस बात जी विचार है वो दसी जाए जी। जग जो सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। ये सवाल बाबा कबीर जी के श्लोक का एक आधार लेके सामने आया है और इस श्लोक के जेडे पहली लाइन के बोल हैं शायद सानू उन्हां बोलों वल ध्यान देने की लोड़ पई कि ये जेडे बोल लिखे है भई इन्हां बोलों के मुताबिक कितें जेडे समाज विच भरम भुलेखे ने, कुछ लोग एक विचारधारा नाल चलते ने, कुछ दूजी विचारधारा नाल चलन वाले भी मौजूद ने, कि कितें इस श्लोक की कुताही तो नहीं हो रही, असी एक भरम जिहा अपना पाल के समाज में तुरते हैं, दो विचारधारावां समाज में मौजूद ने, पर असल में क्योंकि जिन्नी मेहनत नाल जिन्नी एकाग्रता नाल लगन नाल डूंघाई नाल प्रोफेसर साहब सिंह जी ने गुरबाणी ते काम किया है, प्रोफेसर साहब सिंह जी होरां ने एक वड्डी देन जिहड़ी है वह सिख कौम नूं दित्ती है। प्रोफेसर साहब सिंह जी होरां ने भगत कबीर जी वाले श्लोकां दे अर्थ करदिआं, तुसीं कदी स्टीक चुके देखियो जिथे जिथे भी किते उलझण वाला मसला सी उत्थे प्रोफेसर साहब सिंह जी ने अर्थ करदिआं नाल एक नोट वक्रे तौर पर दिता होया तां कि अर्थां तों बाद जिहड़ी गल अजे होर क्लीयर होण वाली रहिंदी है वह उन्होंने अपने नोट विच विशेष कथन विच नाल कह दित्ती। इस श्लोक नूं तुसीं प्रोफेसर साहब सिंह जी होरां दी स्टीक खोल के देखियो उत्थे उन्होंने विशेष एक नोट इस श्लोक दे नाल भी दिता होया, उत्थे विशेष नोट दिंदिआं होइआं प्रोफेसर साहब सिंह जी ने इस गल वल ध्यान दवाया है कि भलियो भगत कबीर जी इस मसले ते ध्यान दवा रहे ने कि जिहड़े लोग धर्म कर्म भी करदे ने ते नाल नाल विकार भी भोगदे ने उहनां दा जीवन व्यर्थ ही जांदा है, वह खूह खाते ही जांदा है, जिहड़े नाल नाल धर्म भी निभाउण ते नाल नाल बुरे कर्म भी करदे जाण, सुरापान शराब माछली मच्छी इहदा डिक्शनरियां दे विच अर्थ किते किते नशा भी है पर इत्थे मच्छी क्योंकि काम उत्तेजना नूं तेज करन लई उच्चियां करन लई शराब दे नाल मच्छी दा सेवन करना भंग दा सेवन करना, कबीर जी कहिंदे जदों लोग अपनियां वाशनावां नूं उत्तेजित करन लई नाल नाल विकार भोगण लई इह जतन भी करदे रहण, नाल नाल जदों जी चाहे धर्म नेम भी निभाउंदे रहण, इहो जिहे लोग खूह खाते ही जांदे आ, उहनां दा कोई फायदा नहीं हुंदा। सो भगत कबीर जी ने इत्थे जिहड़ी दोगली नीति बनी हुई है उस दोगली नीति दे उत्ते भी चानणा पाया है। मैं इस तरह का एक श्लोक बाबा कबीर जी का होर तुहाडे सामने रखदा, कभी मौका बने तो तुसीं आप स्टीक खोल के देखना। भगत कबीर जी ने जदों बाबा कबीर जी का यह श्लोक विचारिया है, कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुबदा जाए भावें लांबे केस कर भावें घर मुंडाए, प्रोफेसर साहब सिंह जी ने इस श्लोक के अर्थ किए
ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰਨ ਮੁੰਡਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਢੇ ਕੁ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੇ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਗੜ ਕੇ ਮੁੰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਰਗੜ ਕੇ ਮੁੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਓ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਧਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸਲੋਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ ਮੁੰਡਾ ਮੂੰਡ ਅਜਾਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਧ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਆਹ ਸਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਟਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਟਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਸਿਨੇਮਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ 365 ਸਹੀ 1/4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ 35 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 354 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਬਣਦੇ 365 ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 365 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ 354 ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਦਿਨ ਘਟਾ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਇਆ 1 ਜੂਨ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ 16 ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ 1 ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ 1 ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਵੱਧ ਮਹੀਨਾ ਗੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਮੰਗਦਾ ਸਵਾਲ
इस वास्ते गुरु प्यारिओ साडे पंथक आगुआ ने 2003 दे विच भी अपनी कौम का एक कमान अपना कौमी कैलेंडर जिहड़ा भी होना चाहिए ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पुरब कदे अपने साल में दो वारी आ जाता सी कदे साल में एक वारी भी नहीं सी आता ते 5 जनवरी उन्होंने फिक्स कर लिया पर वो केड़ियां ताकतां ने जिहड़ी पंथ विच एकता नहीं हो दिंदियां हुण ख्याल करियो कि हुण गुरु नानक पातशाह का जिहड़ा सोध्या होया कैलेंडर आ उहदे मुताबिक 1 जून नूं मनाया पर गुरु हरगोबिंद साहब का गुरगद्दी दिवस जिहड़ा उह 11 जून दा आया इहदा अर्थ है कि साडी कौम दे विच बहुत सारियां दुविधा खड़ियां हो गईआं ने इह दुविधा तां खड़ियां होईआं ने कि जदों असीं आप इहदा यतन नहीं करदे इस वास्ते 2003 दे विच सूरज नूं मुख ते इक होर दुविधा जिहड़े हिंदुस्तान में सूर कैलेंडर बने उस सूरज दी किरणा बनारस ते पई दी उत्थों ने शुरू कीता बड़ा नानकशाही कैलेंडर बनाया वो सूरज दी किरणा जो दरबार साहब ते पई दी उत्थों ने शुरू कीता गया इस वास्ते अपने नानकशाही कैलेंडर में रोल कचोला जिहड़ा भी वो बहुत ज़्यादा यतन किया भी पा दिता गया मुसलमान चंद्रमा के दिन नाल अपने दिन ध्यान मनाते हैं उन्होंने ईद हर साल 11 दिन पहला आती है और 34 साल बाद जितों ईद शुरू हुई सी उत्थे फिर ईद जी वो चले गए इसलिए नानकशाही कैलेंडर जो 2003 के पास किया डिटेल अपने ददेर जी हुणां राज दे दीवान में बहुत सोहणे शब्द रखे से ये गुरु प्यारिओ सैमीनार के सवाल ने पर एको बेनती करांगा मेरा नानके साडा कैलेंडर आ भी फिक्स कर लिया मैं एक होर बेनती करके समाप्त करा असी नहीं चाहते कि भावें 16 नूं मनाया तो भावें 1 नूं मनाया भावें 5 नूं मनाया मसला यही है मसला यह है कि अपनी कौम का दिन एक फिक्स होना चाहिए भावें 11 कर लो भावें 5 कर लो भावें 4 कर लो सानू कोई इतराज नहीं भावें 10 कर लो ये मान लो कि हर साल आप जब ब्राह्मण पूछे गुरु अर्जन पातशाह शहीदी पुरब कदों मनाया करिए आप एक दिन फिक्स कर लीए आप अगली गल आया गुरपुरब मनाना कितना है ये अगला सवाल है ये फिर कदे तुहाडा विचार साझा किया जाएगा नानकशाही कैलेंडर बारे होर पढ़ना हो तो इंटरनेट के उत्ते सिख मार्ग वैबसाइट है तुम उत्थे पढ़ सकते हो जिवें ज्ञानी जी होना दस्सिया कि 2003 के नानकशाही कैलेंडर जिहड़ा है वो लागू किया गया भावें 1999 के भी जतन किया पर कुछ जिहड़े डेरिया वाले टकसाला वाले जिहड़ा एक खालसा पंथ तो अलग एक होर संत समाज बना के बैठी हुई है एकजुटली उन्होंने दबाव पा के जिहड़े भगवा करना चाहते हैं उन्होंने दबाव हेठ ये अंदर तब्दीली की गई 2010 के हुण जदों तब्दील होया तां 5 मिनट भी नहीं लगे इस कैलेंडर नूं बदल लग्गिया सरदार पाल सिंह पूरेवाल जिहड़े कनेडा दा सी लगभग 10 साल दी उन्होंने दिन रात मेहनत करके ते सारियां डेटां जिहड़ियां फिक्स कीतियां सन पर कुछ एक SGPC के जिहड़े कार्यकारी कमेटी के बंदे सन ते और प्रधान सी उन्होंने बैठ के दूसरे संत समाज के अधीन ते जिहड़ा भगवा करन करना चाहते हैं उन्होंने प्रभाव थले आके ते 5 मिनटां दे विच सारा कुछ बदल के रख दिता वो मनुख जिसनों ये नहीं पता कि अमृतसर में सूरज कदों चढ़ता है तो किन्ने डुबना ना भूगोल बारे ना खगोल बारे कोई जानकारी नहीं वो साढ़े कैलेंडर बना रहे हैं इस तो सानू सुचेत होने की लोड़ है इस बाबत सारे जागरूक होना पड़ेगा ताकि असी एक नेम के बच सकी एक सूत्र में परो सकी जी अगला सवाल है जी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पहला आनंद कार्ज किस तरह किया जाता है गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पहला आनंद कार्ज किवें किया जाता है और 10वें पातशाह जी तो पहला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तो पहला जदों सिख आपस में मिलते सन तो की कह के मिलते सन गुरु ग्रंथ साहब जी की इस बणतर तो पहला संपादना तो पहला आनंद कारज किवें होंदे सन वैसे
बहुत ही डिटेल विच इतिहास ने कुछ नहीं किया। जन्म साखियां ने गुरु नानक साहब जी के आनंद कारज विआह बाबत कुछ विचार दिते है और उन्होंने विचारों को ध्यान च रख के ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की जिंदगी वल ध्यान देते हैं कुछ क पक्ष जिहड़े आ सच्ची सच्चे साबित हुंदे आ। इह ते पक्की गल है कि गुरु नानक साहब ने अग दुआले विआह नहीं कराया। गुरु नानक साहब जी के विआह वेले पंडित ने मंत्र नहीं पढ़े, इह ते पक्की गल है। क्यों? क्योंकि गुरु नानक साहब 9 साल की उम्र च पंडित को जनेऊ नहीं पवाते, तो जनेऊ 9 साल की उम्र से जे पंडित को नहीं पवाते ना कर देंगे, मना कर देंगे, कई सवाल पंडित ने करते हैं, तो उस जनेऊ वाली रस्म तो बाद कई समा बाद मान लो 14 साल 15 साल 16 साल इस उम्र जाके महाराज का विआह होया, तो वह जे 9 साल की उम्र च पंडित को जनेऊ नहीं पवाते तो 15 16 14 साल की उम्र में वो अग दुआले फेरे किवें लैणगे। सो जन्म साखियां ने फिर तथ दिता आ कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के आनंद कारज वेले महाराज ने आप ही ये परंपरा जी बनाई सी कि उन्होंने एक शब्द अपना चौंकी उत्ते रख के वो चौंकी जी है वो आले दुआले परिक्रमा कीतियां आगे आगे सतगुरु पातशाह मूल कुआ। तो ये परंपरा महाराज के जन्म साखियां दे मिलती है कि ये अग दुआले फेरे नहीं होए, शब्द तों उन्होंने गवाह मन के ते ये अपना विआह आनंद कारज जिहड़ा वो करवाया। इस तों बाद दूजा सवाल है कि जदों अजय गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के समय तो पहला गुरु नानक साहब तो लैके 9वें पातशाह जी तक सिख मिलते सन तो वह की बुलाते सन, तो एक मोटा जा तत्थ जिहड़ा है वह सामने आता है कि सिख आपस में मिलते सन जां गुरु साहब नूं आके मिलते सन जां गुरु साहब सिखां नूं जिहड़ा बुलाते सन, तो उस वक्त एक शब्द जिहड़ा सी वह बड़ा प्यारा सिखां दे जीवन में सीगा, वह सी सत करतार। तो आपस में मिलते समय सत करतार शब्द जिहड़ा है वह वरतों में आता सी। बकायदा भाई संतोख सिंह ने सूर प्रकाश में भी इसका जिक्र किया है कि जदों गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी को कोई मिलने वास्ते आता तो महाराज अगों सत करतार कहिंदे, सिख आपस में मिलते तो सत करतार शब्द की वरतों करते, सत करतार। और ये नारा अज असीं अरदास तो बाद भी बुलाने सत श्री अकाल, सत करतार, करतार शब्द इत्थे आया सत श्री अकाल। और इसे ही थोड़ा जहा क्योंकि शब्दों का ही फर्क है ताकि भावना च कितने फर्क नहीं पिया, वाहिगुरु जी का करतार, सत करतार, सत श्री अकाल, तो इत्थे शब्द वरत्या गया वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो थोड़ा जहा शब्दों का ही फर्क पिया, भावना सत करतार, सत श्री अकाल, अकाल उत्थे भी रहा, इत्थे शब्द नाल वाहिगुरु आया है। सो कितने भी फर्क नहीं पैंदा है, सतगुरु कृपा कर थोड़ा जहा सानू समझण दी लोड़ है। और ये भी नाल ध्यान च रखना है कि जिहड़ी ये मौजूदा परंपरा साडे कोल आनंद कारज वाली है ये क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह दे राज तों बाद लंबा समा जिहड़ा है सिखां दे विच गिरावट रही और महंतां दे कारण निर्मलियां दे कारण बहुत सारे सिख जिहड़े आ वो अपने घरां दा जिहड़ा रहन सहन आना मिथ्यासक रीतों के मुताबिक ही कर लग गया जिहड़ियां गुरु साहब ने साडे कोलों छडवाइया सन। और ये भी बात सामने आती है कि सिख अग दुआले दोबारा फेरे कर लग गए सन। अज भी एक संपर्दा जिहड़ी अपने देहधारी गुरु नूं मंदी है वो देहधारी गुरु नूं मनण वाले जिहड़े लोग ने अज भी वह अग दुआले फेरे करते आ, पाठ गुरु ग्रंथ साहब के वो लावां दा करते हर पहले लाम तो फेरे वह अग दुआले करते अज भी वह दिखणगे तुहानूं चिट्टे लीड़े पा के चिट्टियां पग्गां बन के वह देहधारी गुरु नूं मनदे आ ते अग दुआले फेरे करते आ। और ये परंपरा सिखां विच वड्डे पद्धर दे बाद विच आई महाराजा रणजीत सिंह दे राज तों बाद भी, और बाबा दरबारा सिंह निरंकारी जिहड़े निरंकारी लहर ने इस परंपरा नूं ठल पाई और अग तो खैड़ा छुड़वा के गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के दुआले परिक्रमा करने वाली बात जिहड़ी है 1857 के लगभग जिहड़ी है वह दोबारा उन्होंने इस नूं होंद विच लिया। दीवान का समा समाप्त है,
बेनती है कि बार गुरमत साहब का स्थान होता है आप जी ने उतों एक दो पुस्तक जरूर लेके जाए जिमें इतने बहुत सारे सवालों के जवाब असं विचारे या बाकी जवानों में भी विचारते हैं जेकर खुद असी थोड़ा जहाँ उदम उपराला कर लीए तो होर बहुत सारे शंके ने दुविधावान ने जिड़िया साड़िया खत्म हो सकती ने उदे वास्ते जरूरी है कि बार भाई कान सिंह जी का नाभा रचित गुरमत मारकंड दो भागों में है तुम तो सहायता ले सकते हो धार्मिक संस्कार जुड़े वहम भरम के छोटे छोटे असी जूतों को जगाने नारियल पुख क्यों रखा जाता है रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए असी मौलियां बनते हैं रखड़ी की है इस बात बहुत सारी उत्थे पुस्तक ने बेनती करा कि वह जरूर लेके जाए अखीर के उ एक सवाल हो रहा है जी कि गुरु ग्रंथ साहब जी के बराबर किसी होर पोथी या ग्रंथ का प्रकाश हो सकता है और सिख जो गुरुद्वारा साहब नमस्कार कर होता है तो वह कई बार पौड़ियों के भी मत्थे टेकता है तो इतने सतगुरु जी के सन्मुख भी सज्जे पासे खब्बे पासे और पिछले पासे भी मत्थे टेकते हैं तो गुरुद्वारा साहबाना के अंदर कई थाई जोत तो फोटो होंदिया जी उ भी मत्थे टेके जाते हैं तो सिख को अपना शीस कितने चुकाना चाहिए जी इस बात विचार पेश उस उपरंत समाप्त है जी गुरु प्यारे पंच प्रमाणिक रहत मर्यादा में लिखा होया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब के तुल किसी भी ग्रंथ का प्रकाश बोलो भाई गुरु प्यारे नहीं हो सकता सिख का सिर केवल गुरु ग्रंथ साहब अगे ही झुकना चाहिए है पर असी अणजाने देखो गुरु प्यार वाले असी दसन वास्ते आए हैं बदलना छड़ना ना छड़ना ये तुहाड़ी मर्जी है कौम की मर्जी है पर सचेत करने वास्ते आए गुरु नानक पातशाह ने हरिद्वार एको गल कही सी भी चढ़ते पानी देने की लोड़ कोई नहीं मरिया पानी देने की लोड़ कोई नहीं जो मापिया की सेवा कर लो जिन्होंने समझ आ गई वो मुड़के तो हरिद्वार पानी देने नहीं गए वरना अज भी लोग लखा उसे पानी देने वास्ते तुरे जा रहे जिन समझ आ गई वो नहीं गया जे समझ आ जाए छड़ जाए गुरु प्यार असी बड़े प्यार बड़ी भावना दस रहे कि आ गुरमत है आ मनमत है गुरमत मार पंड का पहली भूमिका पढ़ोगे ना तो बड़ी प्यारिया गलत लिखिया खै सिख ने गुरु बड़े मन लेने सिर झुकना चाहिए असं गुरु ग्रंथ साहब अगे असी उन्हें निशान साहब के थड़े भी मत्था टेकते हैं निशान साहब दसदा अगे मत्था टेक गली गली पौड़ी से मत्था टेकते हैं भाई साहब पिछे मत्था टेकते हैं जगो तेरवियाँ करते हैं ख्याल करियो जोड़ा जोड़ा वो टॉयलेट च गया गया कि नहीं गया गुरु प्यारे आप रस्ते आए हाँ रस्ते गंदगी भी लगी होगी हूँ ये कि निम्रता भी जोड़ा चुको थले हट लो तो मूह ने फेर लो तो मत्था टेको या जोड़े ने मत्था टेको ये मनमत है ये गुरमत नहीं ना ही कोई निम्रता आनी है हूँ ककार दाड़ा कलगीधर पिता ने बख्शिश किया गंदा हथ ला के गुरु ग्रंथ साहब पिछले पास दसो सफाई है हाइजेनिक है कि सफाई है इस वास्ते मेरा ख्याल है कि लिख के लाना चाहिए कि जिहड़ा सिख का सिर है गुरु ग्रंथ साहब अगे झुकना चाहिए आ किसी तस्वीर अगे नहीं किसी फोटो अगे नहीं इस वास्ते गुरु प्यार वाले सानू थोड़ा जिहा सचेत होने की लोड़ है जिवें वीर गुरजंत सिंह उन्होंने तुहानू दस्सिया है बहुत सारिया पुस्तकां बाहर मिलदियां ने अज एक दो दो पुस्तकां जरूर लैके जाया जे तां कि साडे घरां च जिहड़ी गुरमत है उह आ जावे समुचे तौर ते इत्थों दे सत्कारयोग भाई साहब जी दा इत्थों दे प्रबंधक वीरां दा इत्थों दे नौजवान वीरां दा स्थानक संगत दा असीं बहुत धन्नवाद करदे हां रेणी हां उस संगत दा जिथे भी दमान लगदा उस संगत जांदी है उस संगत दा भी असीं धन्नवाद करदे हां गुरु प्यार वाले शाम दे जिहड़े दीवान आ उह इस तरह ने कि 17 जून मंगलवार शाम 7 to 10 कल्याणा आरसपुरा 18 जून बुधवार सवेरे 10 to 1:30 तक भारत और 18 जून 2 अपने बुधवार शाम 7 to 10 गुरद्वारा बाबा सुंदर सिंह ननियाला नौशहरा रजौली ये साढ़े कल तक के समागम से जेडे आप संगत के नाल सांझे कीते है एक मिनट तुहाडा होर लैणा समय सर समाप्ति है गुरमत ज्ञान मिशनी कॉलेज 1996 होंद में आया ये जिन्हें प्रचार पीर आए उस कॉलेज पढ़िया जो उत्थे पढ़ा रहे हैं
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 40 ਕੁ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਈ ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 5-6 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹੀਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਤੋਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 12 ਦਿਨ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, 12 ਦਿਨ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ J&K ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ J&K ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੱਖਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।